आईएससी बोर्ड में टॉप करने वाली हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीएमएस की छात्र अर्चिता सिंह है, जो कि 99.75 मार्क्स पाकर उन्होंने टॉप किया। उनसे जानेंगे कि आखिरकार कितनी उनको खुशी है। अर्चिता, बहुत बहुत तुम्हारा स्वागत है। 99.75 मार्क्स आए, तुम्हारे क्या कहने चाहिए? बहुत खुशी हो रही है कि मैंने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया, और इतनी मेहनत करने के बाद इतने परसेंटेज आए तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। इससे पहले हाई स्कूल में भी तुमने टॉप किया था, उस समय तुम्हारे क्या मार्क्स थे? 10th में मेरी ऑल इंडिया सेकंड रैंक थी, तो 99.6 परसेंटेज थी तब। क्या कहना चाहोगे जो बाकी के छात्र हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे? हमें मेहनत करना ज़रूरी है, जितनी मेहनत करें उतना अच्छा है, और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। भी अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद आएगा, बट रिजल्ट ज़रूर आएगा। एक बार अपने हमारे दर्शकों को बता दो कि कितने मार्क्स तुम्हें मिले और कौन से बोर्ड में? 99.75 परसेंटेज आईएससी बोर्ड में, और इंग्लिश में 100 मार्क्स, कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन में 100 मार्क्स हैं, मैथ्स में 99, फिजिक्स में 96 एंड केमिस्ट्री में 97 मार्क्स। क्या तुम्हारी पढ़ाई के पीछे अपने माँ बाप जो हैं तुम्हारे, उनको भी श्रेय जाता है? जो अब तुम्हारे टीचर हैं उनसे क्या कहना चाहते? मेरे पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को ही श्रेय जाता है कि मेरे पेरेंट्स स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और जितनी पॉसिबल हो सकता है उतनी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे। मेहनत वो भी उतनी करते हैं जितनी मैं कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा उनका रोल है। तो ये थी हमारे साथ अर्चिता सिंह, जिन्होंने 99.75 मार्क्स पाकर टॉप किया। उसका साफ तौर पर कहना है कि टीचर के साथ इनके माँ बाप ने भी इनका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। प्रथम स्थान हासिल करने वाली हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीएमएस की छात्र कनिष्का मित्तल हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार आज उन्होंने टॉप किया है, क्या कहना चाहेंगी? कनिष्का, आज आपने टॉप किया है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर, एंड थैंक यू टू एवरीबडी हु हैज हेल्प मी, माय पेरेंट्स, माय टीचर्स, द एंटायर सीएमएस फ्रेटर्निटी, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू हैव गिवन मी। आप किस ब्रांच में हैं सीएमएस के, और कितने आपके मार्क्स आए हैं, कितने परसेंट? आई एम स्टूडेंट ऑफ कानपुर रोड एलडीए ब्रांच, एंड आई गॉट 99.75 परसेंट इन आईएससी। जो बाकी के आपके छात्र हैं, साथ के दोस्त हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, उनसे आगे बढ़ने के लिए क्या कहेंगे? फॉर ऑल दोज हैव स्कोर्ड वेल, कंग्रेचुलेशंस। फॉर दोज हैव नॉट, इट्स जस्ट मार्कशीट, एंड देर आर अ लॉट ऑफ अदर डोमेन्स एंड अदर डिमेंशंस दैट यू कैन ग्रो, देर आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, and your talent is not measured just by this, so it's not a failure at all if you've not scored as per your expectations, you can always do well in the long run. आपके माँ बाप आपके साथ में आए हुए हैं, उनका कितना योगदान रहा आपकी इस सफलता के पीछे? माई पेरेंट्स हैव बीन माई इमोशनल पिलर एंड माई कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन, दे हैव ऑलवेज स्टेड बाय माई साइड थ्रू सक्सेस एंड फेलियर, दे हैव ऑलवेज टॉट मी कि अच्छाई बुराई, यू नो, सफलता विफलता सब चलता रहता है, सो दे हेल्प मी इन माई मेंटल क्वेश्चंट इज वेल। तो ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कनिष्का मित्तल, जिन्होंने 12th में 99% ऊपर के मार्क्स लाकर प्रथम स्थान हासिल किया है। आईएससी बोर्ड में टॉप करने वाली हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीएमएस की छात्र सारिया खान है। उनसे जानेंगे कि आखिरकार आज उन्हें 99% से ऊपर के मार्क्स मिले हैं, कैसा महसूस करें? सारिया, बहुत बहुत बधाई आपको, आज आपने टॉप किया है, क्या कहना चाहिए? और इसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत कदम पर सपोर्ट किया है। मैं कभी मेरे अगर कम मार्क्स आए तो भी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे ये रियलाइज़ कराया कि मैं अच्छा कर सकती हूँ। उनके तो माँ बाप का इसमें आपका क्या रोल था, कितनी उनके द्वारा आपको सपोर्ट किया गया, उनसे क्या अपील करेंगे? वो भी हमेशा मेरे सपोर्ट, कभी मतलब कुछ कैसा हुआ, अच्छा हुआ, ज़्यादा वो मार्क्स ओरिएंटेड नहीं रहे कभी। सारिया के साथ जो दूसरी टॉपर है वो भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आपने टॉप किया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और किस तरह इस समय आप महसूस करें? अर्चिता सिंह, एंड आई सिक्योर 99.75% इन आईएससी बोर्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन, एंड इट रियली फील्स वेरी गुड टू स्कोर सच अ मार्क्स, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय टीचर्स एंड पेरेंट्स who have been supportive and helpful throughout this class culture. तीन लड़कियों ने ही इस बार टॉप किया है, कितना आपको गौरव महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब हम तीनों गर्ल्स हैं और 10
पे भी हम तीनों साथ में थे, 12th to 20th का हम तीनों कर सकता है। देखिए जो तीसरी टॉपर है वो भी हमारे साथ है, लड़कियों ने इस बार टॉप किया है, क्या कहना चाहेंगे? लड़कियों आई थिंक देर इज नो सच डिफरेंस कि लड़का लड़की में कुछ मेंटल वो है कि लड़के ही कर सकते हैं, आई थिंक सुनर लेटर इक्वल हो ही जाना था, तो इट्स वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर CMS फैमिली की फीमेल टॉपर्स हैं इस बार। कितने मार्क्स आप क्या है, कौन सी ब्रांच में? मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हूँ, मैं कानपुर दिल्ली ब्रांच से हूँ CMS की, एंड आई गॉट 99.75। कौन सा आपका बोर्ड है? सॉरी आप किस बोर्ड से थे? ISC बोर्ड क्लास 12। साफ तौर पर ये तीनों टॉपर लड़की जो ISC बोर्ड में इन्होंने टॉप किया है, उनका ये कहना है कि आगे भी ये इसी तरह से पढ़ाई करती रहेंगी और टॉप करेंगे। ISC बोर्ड में 99.8 रैंक पाने वाले हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंद्रांश राय हैं, जो कि CMS के छात्र हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनको कैसा लग रहा है। चंद्रांश बहुत बहुत बधाई आपको, क्या रैंक आपकी आई है और कौन से आप ब्रांच में हैं? मैं CMS महानगर में हूँ और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 है, मेरे 99.8% आए हैं ICSE 23-24। क्या कहना चाहोगे जो बाकी के छात्र हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बोलूँगा जो मेरे अभी, मैं पहले ये बोलूँगा कि जो मेरे साथ अभी क्लास में बच्चे हैं, जो मेरे क्लासमेट्स हैं, उनके अगर मार्क्स कम भी आए हों और ज़्यादा भी आए हों, तो उसको मतलब बिल्कुल इस समय इसको बहुत सीरियसली ना लें, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है कि इसके बाद भी आप आगे मेहनत करते रहें, इसको लेके बैठ नहीं जाना है। और जो लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग अभी 10th में आए, मैं उनके लिए बोलूँगा कि कंसिस्टेंटली काम करें, लगातार हार्डवर्क करते रहें, क्योंकि सिर्फ एक महीने पहले या एक दिन पहले बैठ जाने से रिजल्ट नहीं आते हैं। आप कंसिस्टेंटली काम करिए, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको रोज़ घर पर आकर रिवाइज करिए। कितनी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, कितनी आप पढ़ाई करते थे यहाँ तक पहुँचे? कठिनाइयाँ अब मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरे घर पे लिए ऐसा वातावरण बनाया था कि मुझे कोई ऐसी कठिनाई की ज़रूरत नहीं थी। मैं इसलिए अपनी सफलता का काफ़ी श्रेय उनको देता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस करके ये रिजल्ट पॉसिबल किया है। चंद्रांश की माता जी भी हैं, कैसा लग रहा है आपको आपके बेटे ने आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। क्या कहना चाहेंगी जो बाकी के छात्र हैं, जो इनके क्लासमेट हैं, कैसे तैयारी करें, क्योंकि आप माँ हैं, आपने सबसे ज़्यादा मेहनत की? नहीं, हमने तो जो मेहनत किया है बच्चे की, खुद की, हर बच्चे को हमको लगता है कि 7-8 घंटे पढ़ाई स्कूल के बाद घर पर भी करना चाहिए। जो इसमें क्या रैंक, इसकी क्या रैंक आई है अभी? इनकी फर्स्ट रैंक आई है, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। तो साफ तौर पर ये चंद्रांश और उनकी माता जी थी, इनका कहना था कि चंद्रांश ने ICSE बोर्ड में फर्स्ट रैंक हासिल की है और पूरे CMS में टॉप किया है। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मजहर हुसैन।